दुर्ग में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी मांग को लेकर संपूर्ण शासकीय विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ हुए लामबन और जमकर जताया आक्रोश। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले लगातार अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार से अपनी जायज मांग को लेकर आंदोलन व प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की है। बावजूद इसके प्रदेश की सरकार द्वारा इन्हें नजरअंदाज किए जाने से ये अधिकारी व कर्मचारी अपने तीसरे चरण में काम बंद कलम बंद का आह्वान कर सोमवार से दुर्ग के हिंदी भवन के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ अपना आक्रोश जता रहे हैं। इस अवसर पर धरना स्थल पर समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अपना आक्रोश जता रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी सहित अन्य विभागों के अध्यक्षों ने प्रतिक्रिया दी। सरकार से हमने कई बार वार्ता भी किया है, बातचीत भी किया। हमारा सीधा सीधा कहना है कि हमारे कर्मचारी अधिकारियों को जैसा केंद्र ने दे तिथि है उस दे तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत होना चाहिए। अब सरकार कभी 5% डिक्लेयर कर देती है वर्तमान तारीख से, अभी 6% डिक्लेयर कर दिए वर्तमान तारीख से। अभी वाला जो किस्त 28% का, ये किस्त जुलाई 21 का है। 13 महीने का हमारे कर्मचारियों का पैसा सरकार डकार गई। हम सरकार से ये कह रहे हैं, पहले भी आपने हमारे कर्मचारियों का 5% जो आपने दिया उसमें आपने 2 साल 24 माह का पैसा आपने अपने पास रख लिया। उसके बाद फिर आपने जारी किया उसमें 10 माह का पैसा फिर आपने दबा दिया। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि महंगाई भत्ता बढ़ाओ। 34% जो आप कह रहे हैं और सरकार कह रही है हमने 6% दे दिया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ाओ। हम ये कह रहे हैं कि कर्मचारी अधिकारियों को देय तिथि से इनको महंगाई भत्ता दो, उनके GPF खाते में जमा करो। आप चाहो तो उसको GPF में सील करके रखो, लॉकआउट करके रखो। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि केंद्र में 1/16 से 7वां वेतनमान लागू हो गया। अब सरकार आज भी 1/16 से आज तक 6वां वेतनमान पे गिरिवाड़ा भत्ता दे रहे हैं। हमारे क्लास 4 कर्मचारी को 900 रुपये के आसपास मिलता है। कौन सा ऐसा गांव है हमारी सरकार बता दे जहां 900 रुपये में मकान मिल जाता। हमारा ये दो मुद्दे पे बात है। और सरकार को कुछ चाटुकार हैं और उनके अधिकारी हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी से हम अपील करना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में पूरे कर्मचारी न्यायालय के साथ साथ हमारे जितने सचिवालय के कर्मचारी, सचिवालय के कर्मचारी, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, फील्ड का हर कर्मचारी आज सड़क पर आ चुका है। अगर इन्होंने बात को नहीं माना उस परिस्थिति में कार्यालय में लॉकडाउन होगा, तालाबंदी होगा। हम सारे किसी भी प्रकार के कार्रवाई के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी का जो मांग है बहुत पुराना है शासन के सामने। इसमें हमने अभी विगत पिछले महीने 5 दिन का एक निश्चित आंदोलन किया था और उस आंदोलन के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संवाद के लिए माननीय सचिव स्तर से बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी लोग वहाँ पर गए थे। लेकिन जो स्थिति में वहाँ पर चर्चा हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने शायद वो लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए और इस वजह से 6% का जो घोषणा किया इससे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गई। क्योंकि हमारा दो ही बड़ी मांग थी, केंद्र के समान देश से महंगाई भत्ता और HRA भत्ता देती से था करके, इन दोनों मांग को लेकर के किया गया था 5 दिवसीय आंदोलन। अब 6% से कर्मचारियों की जो घोषणा हुआ उससे कर्मचारियों में आक्रोशित पड़ गया, क्योंकि जो महंगाई भत्ता है बहुत डिफरेंस हो रहा है। और सरकार से चरणबद्ध हमारे फेडरेशन का ये माननीय प्रदेश संयोजक डोबल वर्मा जी के नेतृत्व में लगातार मांग करती जा रही थी, लेकिन मांग पूरी सरकार के द्वारा नहीं की गई, नहीं सुना गया, अनसुना कर दिया गया। इसलिए मजबूर होकर के हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए प्रांतीय अध्यक्षों के द्वारा, प्रांतीय निकाय के पदाधिकारियों द्वारा निर्णय दिया गया। इसी कड़ी में आज हम पूरे प्रदेश में, आज अपने दुर्ग जिले में हम आज आंदोलन का ये पहला दिन है अनिश्चितकालीन आंदोलन का। आपने देखा होगा कि आज हमारे इस जिले में न्यायालयीन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अपने पूरे साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हो गए। तहसील कार्यालय के हमारे तहसीलदार साहब लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय के पूरे शाखा बंद करके यहाँ पर उपस्थित हो गए। वन विभाग बंद है, एजुकेशन शिक्षा विभाग पूरा डी ऑफिस बंद है, जिला पंचायत कमिश्नर आपका सेल टैक्स से पूरी ताला लगा हुआ है, परिवहन विभाग, पंजीयक विभाग, इस तरीके से पूरे स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल भी बंद करके आए हैं।
तो लगभग जिले में पूरी बंद का वातावरण है और कर्मचारियों ने आज के आंदोलन में पूरी हौसला के साथ यहाँ पर आए हैं। निश्चित खाली में बैठे संगठन जो चलो बंद योजना उसकी मांग की चल रही थी, लेकिन शासन द्वारा मांग पूरी नहीं की गई। अंतिम उसमें हमने ये सोच के सहयोग किया है कि अब ऐसा चांस नहीं है कि बिना अनिश्चितकालीन हड़ताल के मांग पूरी हो। पूरी तरह शासन तालमेल पे जुड़ा हुआ है, किसी भी हालत में पूरी होने की आशंका उनसे नहीं लगी है। इसलिए न्याय कर्मचारी संघ ने डिसाइड किया कि हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में मांग पूरी नहीं होने तक सहयोग करना है और हड़ताल में सम्मिलित है। तो जो ये सहयोग आप कर रहे हैं उसमें क्या पूरी तरीके से काम बंद रहेगा, कलम बंद रहेगा? पूरी तरह से काम बंद रहेगा, नागरिक का और परिवार न्यायालय का भी और अभी लेबर कोर्ट की आंदोलन की, जिसका अंतिम चरण हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में आज हम प्रारंभ किया। पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री से बार बार निवेदन किया है विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से। बीच में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी किया और स्वागत करके हमने उनके उत्साह वर्धन में भी कहा कि हम कर्मचारी आपके साथ जब भी आप चाहें जैसा चाहें हमारा उपयोग कीजिए, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उन पर आप निर्णय लीजिए, और स्वागत भी किया। और उसके बाद हमने निश्चितकालीन हड़ताल भी की 5 दिन। 5 दिन की हड़ताल के बाद भी यदि कोई निर्णय नहीं हुआ तो बाद में हमने निर्णय लिया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल ये हमने पहले से निर्धारित किया था। आज जो है हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और सब साथी जितने भी हमारे संगठन के जितने साथी थे, जुझारू साथी, सब पूरे संगठन हमारे साथ एक साथ हैं। रेनी सीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।